अमित शाह ने सीए पर सवाल उठाने वाले नेताओं को चुन चुन कर जवाब दिया था, और वो जवाब क्या था वो आपको सुनाएंगे। अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल को लेकर तो साफ तौर पर कह दिया था कि जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं उन पर इस वजह से वो आपा खो रहे हैं, और जो विरोधी हैं वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं इस वजह से ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह ने कहा था रोहिंग्याओं को लेकर तो कुछ कहते नहीं है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जब आए मीडिया के सामने तो उन्होंने बाकायदा रोहिंग्याओं को लेकर भी फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखी और सवाल पूछा कि भाई रोहिंग्या जो हैं ये तो देश में 2014 के बाद आए हैं, तो ये मिलीभगत से आए मोदी सरकार की या फिर ये नाकामी है मोदी सरकार की, इसका भी जवाब दें। सुनिए जरा अमित शाह ने पहले क्या कहा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए इनको नागरिकता देनी है, और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नौकरी का कहां सवाल है? वो ऑलरेडी यहां है, और बांग्लादेशी नौकरी का अधिकार नहीं मार रहे हैं क्या? रोहिंग्याज नहीं मार रहे हैं? इनके लिए तो आप कभी नहीं बोले भाई। सिर्फ जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, जो बौद्ध शरणार्थी आए, जो जैन पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी, इसी का विरोध कर रहे हैं। जरा राजनीति का मिजाज समझिए। इस वक्त सीए को लेकर जो राजनीति हो रही है वो डाल डाल पात पात वाली राजनीति हो रही है। अमित शाह सुबह जब आए थे तो उन्होंने घेरा इस बात को लेकर कि आप रोहिंग्याओं की बात तो करते नहीं है। दोपहर होते होते अरविंद केजरीवाल सामने आ गए और रोहिंग्याओं को लेकर भी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया कि रोहिंग्या भारत में घुसपैठ करा कब उन्होंने? 2014 के बाद। और तब सरकार कौन सी थी केंद्र में? मोदी सरकार। तो मोदी सरकार बताए कि रोहिंग्या भारत में आए कैसे? मोदी सरकार की नाकामी है या मिलीभगत? ये सवाल छोड़कर गए अरविंद केजरीवाल। सुबह अमित शाह की तरफ से कहा गया था कि साहब ये क्या बात कर रहे हैं, अधिकार जो दिया जा रहा है उनको वो नागरिकता का अधिकार है, ऐसे में वो तो पहले से ही देश में रह रहे हैं, तो रोजगार को लेकर कौन सा हक मार लेंगे। दोपहर होते होते अरविंद केजरीवाल आए, वो कह रहे हैं जब आप अधिकार देकर उनको नागरिक बना रहे हैं तो नागरिक बनाने के बाद बात जो है वो सरकारी रोजगार तक जाएगी, और सरकारी रोजगार में भी आप भागीदार बना देंगे इन पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को नागरिकता देने के बाद। तो समझ रहे हैं आप कैसे डाल डाल पात पात वाली राजनीति हो रही। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।